कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हेलो, मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आइए आज की खबरों पर बातचीत शुरू करते हैं। एमिली इन पेरिस के दूसरे सीजन के रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स ने बड़ी घोषणा की है। नेटफ्लिक्स ने बताया कि लिली कॉलिंस स्टारर इस सीरीज का तीसरा और चौथा सीजन भी बनेगा। अली फाजिल की हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑन द नाइल की रिलीज डेट आ गई है। गल गडॉट, आर्मी हैमर और एमा मैके स्टारर ये फिल्म 11 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। स्पाइडरमैन नो वे होम के डायरेक्टर जॉन वॉट्स HBO मैक्स के लिए हॉरर फिल्म सीरीज फाइनल डेस्टिनेशन की छठी फिल्म डायरेक्ट करेंगे। पॉपुलर सीरीज ग्रेस एनाटॉमी का 19वां सीजन बनने जा रहा है। इस मेडिकल ड्रामा सीरीज में एलन पोम्पियो मेरेडिथ ग्रे का टाइटल कैरेक्टर प्ले करती हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने बताया कि वो COVID-19 की शिकार हो गई हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं। विजय देवरकोंडा ने पुष्पा के डायरेक्टर को बर्थडे विश करते हुए बताया कि वो उनके साथ फिल्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। पुष्पा पार्ट 2 खत्म करने के बाद सुकुमार और विजय कोलैबोरेट करेंगे। ओडिया फिल्मों के वेटरन एक्टर मिहिर दास की 63 साल की उम्र में मौत हो गई। दिसंबर 2021 में हार्ट अटैक के बाद से वो कटक के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थे। तमिल साइंस फिक्शन फिल्म मानाडू के रीमेक राइट्स 12 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। ये राइट्स सुरेश बाबू ने खरीदे हैं, जो सिम्बू स्टारर इस फिल्म का हिंदी और तेलुगु रीमेक बनाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस की आवाज अतुल को कोरोना हो गया है। बताया जा रहा है कि अतुल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और बिग बॉस टीम के बाकी क्रू मेंबर्स की भी जांच की जा रही है। SS राजामौली की फिल्म RRR में रामचरण और NTR जूनियर के साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट भी काम कर रहे हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म में कैमियो के लिए अजय को 30 करोड़ और आलिया को 9 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। कपिल शर्मा ने द मैन मैगजीन से बात करते हुए बताया कि उन्हें स्टार बनाने में अर्चना पूरण सिंह का भी बड़ा हाथ है। शुरुआती दौर में वो उनकी बहुत तारीफ किया करती थी, जिससे उनका मोराल बढ़ता था। अब वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अक्षय कुमार और समांथा रुथ प्रभु इन दोनों कुरकुरे के एड में एक साथ नजर आ रहे हैं। इस कोलैबोरेशन को देखकर इन दोनों स्टार्स के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। उन्हें जल्द किसी फिल्म में साथ देखने की उम्मीद कर रहे हैं। नागार्जुन और नागा चैतन्य स्टारर फिल्म बंगाराजू का ट्रेलर रिलीज किया गया। कल्याण कृष्णा डायरेक्टेड ये कॉमेडी फिल्म 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस के हिंदी रीमेक सेल्फी में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि अक्षय और इमरान ने इस फिल्म के लिए 53 सेकंड का एक टीजर शूट किया है। जल्द ही इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। सोनू सूद की बहन मालविका ने 10 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने काफी पहले राजनीति में आने की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी फाइनल नहीं हुई थी। सोनू ने ट्वीट कर अपनी बहन को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि वो बिना किसी पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन के लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पर लल्लन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। पता है लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।